अरे यहाँ पे पतिदेव क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। एक और बच्चे के साथ भाभी के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पास्ता बनकर हो गया है तैयार और कितने सारे प्लेट लगे हुए हैं। स्विमिंग पूल के पास पतिदेव उधर जाएंगे पानी में। हाँ बाय। गुस्सा है अभी इसको, स्विमिंग पूल में नहीं ले गए आप। तुम दे दो एक साथ बैठे। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं जी टोटो में, तो देख सकते हैं यहाँ भी अब दर्द और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, या कि स्किन को दिखाना है और देखते हैं वहाँ पर क्या बोला जाता है। अभी तक जो भी दवा खाई है जी बिल्कुल भी छूट नहीं किया है। One hour later. तो डॉक्टर से तो दिखवा लिया जी जिया को, उसके बाद आ गए यहाँ गन्ना का जूस पीने के लिए। इससे पहले मोमो जो है जिया जो है 4 प्लेट दबा चुकी है, उसके बाद नारियल पानी पी है और उसके बाद अब जो सबसे बड़ा गिलास है गन्ने का तो उससे जूस पिए। तो जिया चली गई है जी अंदर, तो हम भी जा करके चलते हैं। हम जो है बाहर कुछ खा लिए ज्यादा अच्छे से, पहले मोमोज खाए फिर उसके बाद जो है मोमोज में भी 2 तरह का, एक था पनीर और एक था मिक्स वेज, और अच्छे से दबा खाए हैं। और उसके बाद जो है जूस जो था गन्ना का वह भी कुछ ज्यादा ही पी लिए, तो पेट हमारा अच्छा खासा भर गया। तो सीधा चलते हैं घर और क्रियांश भी अंदर ही है। पता नहीं क्रियांश ने तबाही मचाया कि नहीं, क्योंकि क्रियांश खेलता है लेकिन कभी अचानक से ही उसको पापा मम्मी चाहिए, दिमाग में आता है बस रोने लगता है। तो चलते हैं, उसे जिया तो पहुंच ही गई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब मैंने ड्रोन खरीदा था तो यहीं पर सबसे पहले आया था उड़ाने के लिए, और पीछे जो खंभा देख रहे हैं उसी खंभे में हमारी ड्रोन जो है टकरा गई थी। तो पहले दिन ही ड्रोन का जो अच्छा खासा कांड हो गया था और उसके रिपेयर में जो है 8,500 रुपए खर्च हो गए। फिर से ड्रोन में कुछ इशू आ गया है और फिर से मुझे जाना पड़ेगा चांदनी चौक, और इस बार लग रहा है अच्छा चक्कर लग गया, क्योंकि पिछली बार कहा था कि अगर आपका सिंपली वायर अगर टूटा होगा तब तो 8,500 में हो जाएगा, अगर आपका गिम्बल टूट गया होगा ड्रोन का तो 15,000 लगेंगे, कैमरा टूट गया होगा तो 25,000 लगेंगे। भगवान जाने कितना लफड़ा लगा है, वो तो जा करके ही पता चलेगा। तो अभी मैं आ गई डॉक्टर से दिखा के, पतिदेव चले गए हैं नीचे सोसाइटी में स्विमिंग पूल में। तो देखती हूँ यहाँ से, मैं उनको देख रही हूँ नीचे, और क्रियान सभी सोया हुआ है नीचे देख सकते हैं। ये हमारा पार्क है और ये है सोसाइटी जिसमें अभी सारे बच्चे और जो भी हैं सारे स्विमिंग पूल में। पतिदेव अभी तक लगता है नहीं आए, कहीं होंगे। जब एक बार क्रियान से उठ जाता है तो फिर मैं उसको भी लेकर के नीचे जाऊंगी पार्क में, उसको बहुत अच्छा लगता है नीचे। 3 hours later. हम लोग आ गए हैं जी पार्क अपने भांजे और अपने बेटे को लेकर के, तो दोनों के पास एक बॉल है और साथ में एक और हमारा भतीजा है भाव्यांश, तो वो भी खेल रहा है उसी फुटबॉल से, ये दोनों खेल रहा है। भाव्यांश बेचारा उधर अकेला है और इधर ये दोनों बॉल लेकर के आ गए हैं। दादी गोदी बैठा है, हम तो थक गए इसको इसके पीछे दौड़ दौड़ के, हम बोले अपनी पोते को पकड़िए, अब थक गए भैया क्रियांश। और उधर गन्नू बैठा है एक दादी की गोदी में, जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। अरे यहाँ पे पतिदेव क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। एक और बच्चे के साथ भाव्यांश के साथ पानी पी रहा है। तो पार्क में जी अच्छा खासा घुमा हुआ हो गया, क्रियांश को लेकर के तो लग रहा है कि अभी भी यह संतुष्ट नहीं है, अभी इसको और घूमना था लेकिन इसको घुमाते घुमाते हम लोग थक गए हैं। इतना भागता है, मजा आया? पापा और गतिक है, ये लगता है अभी चलने के मूड में है अभी। हाँ खेलेगा अभी, पूरे कॉलोनी खाना इसी घर में बन रहा है। सीरियस है अभी ये। तो चलते हैं हम लोग ऊपर और जल करके खाना खाते हैं जी। बच्चों को लेकर के अच्छा रहता है कि पार्क आपको मिल जाता है खुला जैसा, तो बच्चे अच्छा खासा खेलते हैं उसमें, लेकिन पैसा भी बचा देते हैं, इतना दौड़ाते हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ लेकिन ये दौड़ाते इतना है बस, वही एक दिक्कत वाली बात है। और यहाँ देखिए जी यहाँ पर है स्विमिंग पूल, यहाँ पर सभी लोग नहा रहे हैं, आज हम भी नहाए थे यहाँ पर और काफी अच्छा लगा था। और सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक महीना रह लिया जाए, सुबह में स्विमिंग करेंगे और शाम में जिम कर लेंगे सोसाइटी में, अच्छा खासा शरीर बना के चले जाएंगे। The next day. वही क्रियांश, अरे है ये देखा ओए, तो क्रियांश को मिल गया ये डमरू घुमाने के लिए। उस दिन पहले गतिक भी घुमा रहा था लेकिन अपना वो किनारा ले लिया, उसको मिल गया है एक पैकेट, अब उस पैकेट में लग गया है वो। हाँ हमारे किचन में आज बन रहा है पास्ता है दीदी, पापा जी को रे। अच्छा स्पेशली उन लोगों को खाना था, बोले थे कि पास्ता खाना है ना, बाकी तो सब वैसे खाएंगे ही। तो आज दीदी हमने देखा दीदी अलग तरीके से पास्ता बना रही है, मुझे हमने बोला ऐसे भी बनता है, बोली हाँ वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। नहीं अच्छा है इसका, तुम ना शूट भी कर लो, क्योंकि हमें ऐसे डाले थे कैजुअली, ऐसे रील में डाले थे तो बहुत लोगों ने कहा था रेसिपी ठीक है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? टमाटर है, हरी मिर्ची है और अदरक है, बस इसको ग्राइंड कर लेना है। ये हो गया हमारा ग्राइंड अच्छे से, देख सकते हैं हमारा बेटा जो है घुड़क घुड़क के आ गया। क्या कर रहे भैया?
पास्ता। और इधर हमारा क्रियान साहब आ गया। क्रियान जा भैया, इसको ले जाइए जी। और ये रहा हमारा पास्ता, तुम धो लेंगे इसको। धो लेंगे है, निकाल लेंगे। यहाँ पे हम पास्ते को उबालेंगे नहीं, कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाएंगे, इसीलिए उबालेंगे। इसमें बस ऐसे ही रखेंगे और इसमें हम डालेंगे हल्का सा ऑयल। यहाँ पे डल रहा है ऑयल। हम भी पहली तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने, तो हमको भी सीखने को मिल जाएगा। हम तो कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। ऑयलिंग करने से क्या होता है, थोड़ा सा सही है। हम उबालते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। हाँ, जरूरी। हमारा ये कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और इसके बाद डाला जाएगा जीरा। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियन तड़का डाल ही देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप डालें, फिर हम लोग थोड़ा टेस्ट के लिए डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारा प्याज और शिमला मिर्च कटा हुआ, एक बार तड़क जाए तो हम ये डाल देंगे। जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें। हाँ, आपके पास जो भी हो, हमारे पास यही दोनों था तो हमने डाल दिया। टमाटर का तो हम लोग यहाँ पे चटनी बना रही है। और इसमें डल रहा है, ये क्या डल रहा है दीदी? ये है पास्ता सॉस, जो होता है पिज्जा पास्ता बेस पे जो हम लोग लगाते हैं यूज करते हैं। हाँ। क्या होता है, गार्लिक होता है और टेस्ट होता है। ये भी हो किसी के पास तो डालते नहीं है। तो जो सेजवान वाला आता है ना चटनी, वो भी डाल सकते। और ये टमाटो केचप, ये सब अपनी क्वांटिटी अपने ऊपर डिपेंड करता है, कितना स्वीटनेस आपको। और जो पीस के रखा था, हाँ वो सारा कुछ डाल देंगे। अब हम इसे पकने तक भूनेंगे। क्या मतलब, टमाटर जब तक पकता नहीं है तब तक भूनेंगे। ये जब भून जाएगा तब इसमें पास्ता ऐड करें। ये है कश्मीरी लाल मिर्च और गार्लिक, तो कलर भी अच्छा आएगा। दीदी का भी रूम पूरा सेट नहीं हुआ है, किचन वगैरह, तो सोच के क्या डालना है कुछ समझ में नहीं रहा। थोड़ा हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ा तीखा के लिए, तीखा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये ज्यादा डालने के बाद दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को। गरम मसाला में हम सिर्फ ये यूज करेंगे। मेरे पास ना अभी वो टमाटर जो थे ना वो कम थे, नहीं तो टमाटर और पड़ते हैं, क्योंकि जितना पास्ता है ना उसके ऑलमोस्ट टमाटर पड़ता है। तो हाफ के जी पास्ता है तो लगभग इसमें 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक टमाटर चाहिए होता है, तब जाके इसका असली मजा आता है। एंड इवन इसमें बटर भी जाता है, तो अभी मैं बटर भी डालूंगी। बटर तो हम भी डालते हैं। और इसमें पड़ेगा अभी खूब सारा बटर। पास्ता करेंगे अच्छे से, नहीं तो हो गया ना। मैगी मसाला हो तो वो भी डाल दीजिए यार। अभी मेरे पास एक चीज नहीं है, हरी धनिया। हाँ, हरी धनिया डाली तो है दीदी, तो फ्रिज में था। और इसमें अब ऐड होगा नमक। नमक एज पर टेस्ट, नमक अपने आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। कभी किचन आती है, लड़का जरूर आता है। भैया क्या चाहिए आपको? धनिया। ये है ओरिगैनो। पिज्जा बना बनाओ और ओरिगैनो ना डालो तो फिर मजा नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। और अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी का हम सही मेजरमेंट आपको बताते हैं कि कितना डालना है, जिससे कि आपका पास्ता जो बहुत अच्छा बनेगा। वो हम दिखा देते हैं एक बार। ये रहा पास्ता, बस पास्ता जो है वो डूब जाए, थोड़ा सा ऊपर बस डूब जाए। मतलब अगर एक कटोरी पास्ता है तो सेम उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालना है, तो हमारा पास्ता जो सॉगी वाला नहीं बनता, बढ़िया वाला बनता है। साइज पूरा डबल हो गया है और ज्यादा पानी भी नहीं है, इतना था कि पूरा ड्रॉप कर गया। और दिखाते हैं कुकर खुला है ना इसीलिए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पास्ता बनकर हो गया है तैयार। और कितने सारे प्लेट लगे हुए हैं, इधर भी। और इधर हमारा चाय भी बन गया है। वडू, रात के 9 बज रहे हैं और मैं और प्रियांश जा रही हूँ पार्क। प्रियांश को चलना है पार्क। अरे हाँ जी, पापा जा रहे थे स्विमिंग के लिए, प्रियांश होने लगा बहुत जोर से, बच्चों को अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घुमा के फिर ले आए। प्रियांश
क्या मैं आ गई, ये अब हम लोग चलेंगे ना, ये देखना है नीचे खड़ा होना चाह रहा है। आ गए नीचे स्विमिंग पूल के पास, तो दीदी उधर जाएंगे पानी में। हाँ फ्लैश चलो बाय 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 कर दो पापा को, पापा बाय बाय पापा। अभी ये अपने पापा को पहचान लिया, अब जाएगा पापा पास। आगे पानी है शुगर। क्रियान क्या कर रहा है भैया, छोड़ दो छोड़ दो झूले। ओए भागो मत भागो मत भागो मत, पकड़ के बैठा है ये लड़का। तो ये आ गए हैं स्विमिंग पूल से, प्रियांश जो कब से वेट कर रहा है पापा का, पापा आ जाए पापा आ जाए। आ गया बेटा, गुस्सा है अभी इसको, स्विमिंग पूल में नहीं ले गए आप। है क्या गुच्छा है, बड़ा होगा ये भी जाएगा है। उसे आज पानी लग रहा है थोड़ा गंदा हो गया है। अच्छा तो किचिंग हो रहा है नहाने के बाद। चलिए नहा लीजिए, नहा लीजिए अच्छे से, फिर भी पता नहीं। ठीक है हो जाएगा ठीक। वैसे ये लोग सफाई करते हैं शायद मंडे को। हाँ मंडे के बाद ट्यूसडे को नहीं आएगी, अब कल संडे है ना, कल नहीं आएगी नहाने। मंडे को ट्यूसडे का आएगा सीधा। चलो मजा आया। तो ये है स्विमिंग पूल, चलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यार शकार है, दो दो एक साथ बैठे प्रियांश भी देख रहा है। तो अभी हम लोग आ गए रूम, और पतिदेव ने जो है इनका पेट खराब है, इनका पेट खराब है, और ये चप्पा घूम कर छीन छीन खा रहे, और दीदी उनसे छीन ली, और प्रियांश जो है उधर अपना खुला बिंदी भी उड़ गए, मेरा भी उड़ गया था। तो अभी काजल लिया है मुंह पे लगाया पूरा, ये बेटू क्रीम लेने आया इधर है बाबू।